सरकार से समाज अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस आई विपत्ति के विरुद्ध एकजुट होकर सभी भेदभावों को भूलकर संघर्ष में जुट गया और हम तेजी के साथ इस समस्या से बाहर आ रहे हैं। कार्य में मीडिया के हमारे बंधु और बहनें, उन्होंने पूरा सहयोग किया है, उन्होंने भी परिश्रम किया है, इस संकट को बहुत निकटता से देखा भी है। अनेक हमारे मीडिया के बंधु और बहनें इसमें रोगग्रस्त भी हो गए और उनको कई बार जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे सभी बंधु और बहनें, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे मीडिया कर्मी हमारे, जिन्होंने अत्यंत कर्मठता के साथ, अत्यंत परिश्रम पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, वे हर दृष्टि से अभिनंदनीय हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। कोरोना काल में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जल्दी से कोरोना का जो संकट है ये पार करके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इस हेतु से हमारे हजारों कार्यकर्ता कौशल्य विकास के कार्य में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनको छोटा छोटा स्किल सिखाकर उनके सामर्थ्य, उनका अनुभव, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर वे रोजगार प्राप्त करके अपने घर को अच्छे से चला सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं और यह बहुत सफल प्रयत्न है। लाखों लोगों को इस दृष्टि से रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो राम जन्मभूमि का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है। एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है। जो संबंधित न्यास है, उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु देशभर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करें। ठीक से योजना बनाकर वे देशभर में लगे हैं। हमको ऐसा लगता है कि देशभर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा और सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर लगभग 5 लाख गांवों तक संपर्क करने के लिए जाएंगे। जहां पर पहले कभी भी गए हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के भी गए हैं, अनेक बार वहां से कार सेवा में लोग गए होंगे, नहीं भी गए होंगे, देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में ये राम भक्त लोग जाएंगे। हमारा दूसरा अनुमान यह भी है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों में व्यापक संपर्क वे करेंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर और उसका संपूर्ण परिसर इतिहास में एक अद्भुत मोड़ है। देश के स्वाभिमान सम्मान का यह प्रतीक है।
इसलिए हमारी अपेक्षा भी है कि प्रत्येक घर से वो कुछ न कुछ सहयोग लेकर के आएंगे। ऐसी अपेक्षा की है कि न्यूनतम सहयोग 10 रुपए का, संपन्न परिवार हैं तो 100 रुपया 1000 रुपया, और जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य श्रद्धा यह दी है वे और अधिक सहयोग करते हुए इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में आनंद के साथ वे आगे आएंगे। चर्चा भी इस बैठक में हुई है। आगे चलकर देश भर में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उसको लेकर के हमारे समूह भी आगे बढ़े, उसकी चर्चा भी हुई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सुंदर बातें हैं। पहली बार देश एक नई सुंदर भारतीय भाव आधारित शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से आगे हो इस दृष्टि से भी कार्यकर्ता बंधु स्थान स्थान पर प्रयत्नशील होंगे। और इस प्रकार देश भर से आए 30 से अधिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भविष्य में इस देश को और अच्छे प्रकार से समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमान पूर्ण भारत, सारे विश्व को एक दिशा देने वाला भारत, एक वैभवशाली भारत, इस निर्माण हेतु सभी प्रयत्नशील हों, ऐसा उद्देश्य इस बैठक का है। मैंने बताया यह बैठक प्रतिवर्ष होती है, उसी श्रृंखला में यह बैठक यहां पर संपन्न हुई है। इसके मोटे मोटे कार्यक्रम मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। तीनों गतिविधियां हमारे दृष्टि से प्रमुख हैं। हमारे स्वयंसेवक देश भर में पर्यावरण की एक गतिविधि नई प्रारंभ किए हैं। यह गतिविधि ऐसी है, देश भर में कुछ पर्यावरण से संबंधित समस्या जब प्रकट रूप में ध्यान में आई, क्रमांक एक देश भविष्य में जल को लेकर के आगे कठिनाई अनुभव कर सकता है और इसलिए जल का संरक्षण होना चाहिए। परमात्मा ने वर्षा के रूप में भेजा जल, उसकी एक बूंद भी व्यर्थ न जाए तो स्थान स्थान पर उसका संचय हो, गांव गांवों के तालाब पुनर्जीवित हो जाएं, नदियां स्वच्छ रहें, बड़े बड़े जलाशय जो हैं वे भी अच्छे रहें, जहां पर वृक्ष लग सकते हैं और देश में जो ग्रीन कवर है वो बढ़ता चला जाए, और प्लास्टिक से, थर्मोकोल से जो अनावश्यक प्रदूषण बढ़ाता है उससे मुक्ति मिले। ऐसे तीन बिंदुओं को लेकर क्रमांक एक जल का और जल के जो संग्रह केंद्र हैं उनका संरक्षण, क्रमांक दो देश भर में सघन वृक्षारोपण, तीन किसी भी प्रकार से ये पॉलीथीन प्लास्टिक इनका प्रदूषण समाप्त हो, इस दृष्टि से पर्यावरण गतिविधि का कार्य देश भर में तेज गति पा रहा है। दूसरा गतिविधि का विषय हमारा है कुटुंब का प्रबोधन। सारा देश और दुनिया इस बात को देख रही है और अनुभव भी कर रही है कि परिवार के अंदर सब बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, परिवार मिलकर के रहे, अपनी सनातन परंपराओं और मान्यताओं को, श्रद्धाओं और आस्थाओं को मानता हुआ परिवार चले, बच्चे बड़ों का सम्मान करें, सत्य के प्रति निष्ठा बढ़े, परिवार मितव्ययी भी हो और अच्छे कार्यों में सहयोग करने वाला भी हो, आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हुआ सभी व्यसनों से दूर परिवार हो,
वही सुंदर, स्वस्थ, संपन्न और संस्कारवान समाज की गारंटी है और इसलिए हजारों कार्यकर्ता इस कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि में लगे हैं। कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि इस कोरोना काल में स्थान स्थान पर तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अधिक समय लोगों को परिवार में रहने का मिल गया। परिवार के लोग अच्छे से मिलकर बैठे, परिवार के लोगों ने अच्छा चिंतन भी किया, अच्छा विचार किया। हमारा परिवार क्या अच्छा कार्य कर सकता है देश भर में, इसके ऊपर अच्छा विचार हुआ है।